निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में कमलनाथ के आगमन से पहले उनके भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ भाजपा बोल रही है कि जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, न कि कांग्रेस से जुड़े लोग, तो वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने के पहले ही मुख्यमंत्री मान लिया है। वह तो तभी जवान में यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में और कोई दावेदार भी नहीं और जनता ने तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे और आसन्न विधानसभा चुनाव में उनकी जीत होगी। फिलहाल इन पोस्टरों को लेकर पॉलिटिक्स जारी है, जिसमें कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बता दिया गया है। वहीं भाजपा चुटकी लेते हुए कहती है कि पहले यह तो तय कर लें कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होंगे या फिर कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन होगा ये प्रदेश की जनता तय करती है, कोई कांग्रेस के नेता तय कर लेंगे तो पहले तो आपस में तय कर लें, कमलनाथ जी को करना है कि दिग्विजय सिंह को करना है, किसको करना है उनके यहाँ। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में भी और केंद्र में भी फिर से सरकार बनाने वाले हैं। इस पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत साल की शुरुआत से ही हो गई थी, जिसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया था और भोपाल में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, लेकिन अब ये होर्डिंग पृथ्वीपुर में लगाए गए हैं। यहाँ कमलनाथ के आगमन से पहले उन्हें भावी मुख्यमंत्री नाम लिखे पोस्टर लगा दिए गए हैं। उसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में उनके भावी मुख्यमंत्री के दीवार लेखन किए गए हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अभी 8 माह बचे हैं। ऐसे में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने के बाद देश के दोनों बड़े दलों में राजनीति गर्मा गई है और पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। पोस्टर पॉलिटिक्स पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश दांगी कहते हैं कि कमलनाथ प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। ऐसे में हमने उनके होर्डिंग में भावी मुख्यमंत्री लिख दिया, तो इसमें गलत क्या है? पृथ्वीपुर में कमलनाथ को आने के पहले भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए थे, क्योंकि कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और कमलनाथ जी को यहाँ की जनता, निवाड़ी जिले की जनता सारी चाहती है कि हमारे नेता को वहाँ देखना चाहते हैं और हमारे मध्य प्रदेश की जनता देखना चाहती है कि हमारे आगमन आने वाले 23 में हमारे कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री हैं और हम लोग भी भावी मुख्यमंत्री उन्हें आज से स्वीकार करते हैं। भाजपा का आरोप है कि पहले कांग्रेस तय तो कर लेती दिग्विजय सिंह होंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं क्या कहूँ, हमें तो यही पता नहीं कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री अभी रहे या ना रहे, ज्योतिराज सिंधिया हैं, नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ऐसे इतने अनगिनत उसमें दावेदार हैं। हमारी कांग्रेस में दूसरा कोई दावेदार नहीं है, एक ही दावेदार हैं आदरणीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी ये तो आसन्न विधानसभा चुनाव में जनता ही तय करेगी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन निवाड़ी जिले में पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए सियासी पारा गर्म हो गया है। पृथ्वीपुर से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट, बुंदेली तरकस।